सोलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल द ट्रेडिस्कल्स। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है मंडे को। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मंडे को थोड़ा क्रूशियल इस वजह से भी रह जाएगा क्योंकि अगर आप देखो ट्यूसडे को मार्केट होगा क्या, ट्यूसडे को मार्केट क्लोज रहेगा दशहरे के ओकेजन पे। तो मंडे हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है निफ्टी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ, आप देख सकते हैं फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी मंडे को, फिर और हमारी जो मिड कैप निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी है मंडे को। सो ये दो क्रूशियल निफ्टी की, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी की हमारी एक्सपायरी है, जिस वजह से निफ्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा मंडे को। तो देख लेते हैं मंडे के लिए क्या लेवल्स बेसिकली हमारे रहेंगे। अगर मैं आप पहले एक बार थोड़ा आपको आज का बताऊं, देखिए 5 मिनट के चार्ट पर देख सकते हैं आज मार्केट ने क्या किया। तो बेसिकली मैंने जो आपको लेवल कहा था, कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट आपको ये जोन बेसिकली ब्रेक करता हुआ देखे तो आप एक पुट के ट्रेड में बैठ सकते हैं। मार्केट आप देखो, मार्केट आज मॉर्निंग टाइम पे बहुत ही ह्यूज गैप अप के साथ आया, अराउंड 19520 के आसपास मार्केट ओपन ही हुआ था। ठीक है, मतलब मॉर्निंग के 5 मिनट की कैंडल आपको बेसिकली दिख जाएगी अगर आप मार्केट कितना नीचे से फिर वापस ऊपर है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ फिर इसको ब्रेक करके नीचे एकदम ऊपर, बट हम बेसिकली क्लोजिंग देखते हैं तो क्लोजिंग के बेसिस में बोल रहा हूँ। मार्केट ऊपर क्लोज किया, मार्केट देखिए इसके बाद हाई कहाँ का लगा है। अगर आप हमारा जोन देखें जो मैंने आपको बेसिकली कहा था कि 19590 के अराउंड आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उस टाइम पे। तो 19590 के अराउंड अगर आप मार्केट को देखें, मार्केट टच किया है वहाँ पे, मैं इस कैंडल का एक बार आपको हाई बता देता हूँ, आप कैंडल हाई देख सकते हैं इसका 19593 का मार्केट ने हाई लगाया एंड मार्केट वहाँ से फॉल करता हुआ आपको देख गया। यहाँ पे हम ले सकते थे एक शॉर्ट की ट्रेड, बट ठीक है अगर कोई 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहा होगा तो उसके लिए, वरना अदरवाइज 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वैसे कोई ट्रेड नहीं बनी। बाकी फिर जब मार्केट ने ये जोन हमारा ब्रेक किया उसके बाद मार्केट अगर आप देखो तो पूरा मार्केट आज साइडवेज रह गया हमारा, मतलब ये कोई मूवमेंट थी नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो आज ऑप्शन सेलर्स को ही मार्केट ने पैसा दिया। अब पर मंडे के लिए देख लेते हैं, मंडे के लिए हमारे क्या क्रूशियल लेवल्स हैं मार्केट में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट पे एक बार मैं आपको लेके आता हूँ। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेशन अगर आप देखो ना, क्योंकि देखो होता क्या है मार्केट में, लेवल्स तो काफ़ी अच्छे से काम करते ही करते हैं, बट अगर वहाँ पे आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिखे तो यू नो पैटर्न इतना अच्छा काम कर सकता है आपके लिए, क्योंकि पैटर्न को बनाने के लिए ना देखो, अगर आप वॉल्यूम लगता है काफ़ी और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है, मार्केट यहाँ से एक ऐसे शेप में हमारा ऊपर के लिए शॉर्ट कवरिंग का एक पोर्शन बना सकता है। मतलब मैंने भी आपको, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट दिखा सकता है, और वरना आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग मार्केट में बहुत इजीली निफ्टी में होती हुई दिख जाएगी। तो अगर आप लाइन चार्ट पे देखें तो आपको लाइन चार्ट में ना थोड़े पैटर्न्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली आप एक ऐसा पैटर्न बनते हुए देख सकते हो, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगा, पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, एंड अभी तो खैर मैं थोड़ा बेयरिश ही देख रहा हूँ मार्केट को। और अब आपको थोड़ा लेवल्स के बारे में बता देता हूं। तो अगर आप देखो मार्केट की आज क्लोजिंग थी हमारी 19541 पे, ठीक है, ठीक क्लोजिंग थी। हम अगर पुट की ट्रेड की बात करें तो आपको अगर मार्केट क्या दिखे हुए देखो, क्योंकि मंडे को मार्केट या तो गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, फ्लैट के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस। फ्लैट के क्यों चांसेस कम है उसके बारे में भी बात कर लूँगा मैं आपसे, क्योंकि आज ये जो कंसोलिडेशन रही है ना, और देखिए फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, इस वजह से मार्केट गैप अप हो गया फिर गैप डाउन। तो आप अगर वहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आपको बेसिकली, अगर मैं पिछले लेवल की बात करूँ तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ तक के टारगेट बेसिकली देख रहे थे मार्केट में 490 अराउंड तक है। तो मार्केट अगर क्या करता है 541 पे क्लोज हुआ है, अगर देखो मार्केट गलती से फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन हो गया मार्केट 19490 को ब्रेक करेगा, हम डायरेक्टली वहाँ से कुछ नहीं, तो पहला टारगेट जो हमारा होगा वो हम 450 को एक बार ब्रेक करने देंगे, मतलब वहाँ से 40 पॉइंट के तो हमारे कुछ भी नहीं, तो डायरेक्ट टारगेट बनेंगे 19450 का। अगर मार्केट ने लेवल तोड़ दिया, देखिए ये वाला जो लेवल बेसिकली बना हुआ है, मार्केट अगर इसको आप तोड़ दिया तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हैं 19350 के लेवल तक, मतलब 150 पॉइंट आपको पुट साइड में मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट कॉल साइड पे मूवमेंट दी तो हमें कॉल साइड के लिए क्या करना है। तो देखो कॉल साइड के लिए आपका इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपके लिए नहीं है, आप बेसिकली क्या कीजिएगा, 19554 का हमारा जो अभी लेवल बना है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन बना है, तो आप क्या कर सकते हैं 19450, अदरवाइज आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा पेशेंसली अगर ट्रेड कर सकते हैं तो आप इसको 600 को ब्रेक होने दीजिएगा। 19600 को अगर मार्केट आपको ब्रेक करता हुआ दिखे निफ्टी कॉल साइड के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से कुछ नहीं तो आपकी पहली ट्रेड अराउंड 70 पॉइंट की वहाँ से डायरेक्टली बन जाएगी, मतलब आप 652 के टारगेट वहाँ से रख सकते हैं, सॉरी 672 का हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली हमारा पहला टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो फिर क्या हो जाएगा, मार्केट में इतनी भयंकर, वैसे अगर कॉल साइड के लिए अगर मार्केट मूव कर गया तो आपको बहुत भयंकर वाली शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है, और आपको डायरेक्टली कुछ नहीं तो 150 या फिर 200 पॉइंट तक आपको कॉल साइड में मिल सकते हैं।
बट आप लेवल्स मैंने आपको बता दिए, आप लेवल्स ब्रेक होने का एक बार मौका दीजिएगा मार्केट में, एंड जैसे ही आपके लेवल्स ब्रेक होंगे आपको एक सेटअप बनता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ आपको पैटर्न की, तो अगर मार्केट ये पैटर्न जो मार्केट ने बनाया है ये अगर मार्केट इसको फॉलो करेगा, तो देखो आपको ना यहाँ पे ये जो छोटा सा ऐसा वाला स्विंग है ना, तो मार्केट पहले इसको तोड़ेगा फिर मार्केट यहाँ तक आएगा। और शॉर्ट कवरिंग का जैसे अगर ये सीन टूट गया, 19670 का लेवल टूट गया, तो जो भयंकर शॉर्ट कवरिंग आपको दिखेगी, मतलब मार्केट हो सकता पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको ऐसा एक मूवमेंट दे दे वापस इस लेवल तक, तो ऐसे पॉसिबल मूव्स हैं। बट अभी के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया मार्केट में को बेरिश लग रहा है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अभी जो मार्केट यहाँ पे रुका है ना, तो ये आपको थोड़ा एन पैटर्न जैसा आपको बनाते हुए दिखे यहाँ पे। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि मार्केट वापस ऊपर जाए, बट अभी के लिए तो ऐसा सिनेरियो पॉसिबल है जो मुझे लग रहा है। तो यहाँ से ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के हैं ये पॉसिबल हैं। कॉल साइड के लिए मैं ट्रेड ले लूँगा, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो मेरे डायरेक्टली यहाँ तक के लेवल्स रहेंगे, 19670 तक के लेवल रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बाकी मैं आपके लिए फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी पे भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।